गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे टॉपिक आई टीच यू इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्स एंड देयर मैनेजमेंट. आज हम पल्स पे चर्चा करेंगे, दाल वाली फसलों पे चर्चा करेंगे, जिससे चना, पी, अरहर ये सब पे कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, किस ऑर्डर के हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. आज हमारा वीडियो इसी पे है जिसमें हमें आप देखते हैं कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, ऑर्डर और मैनेजमेंट. तो पहले वीडियो पे चलते हैं हम. ग्राम कटवर्म सबसे इंपॉर्टेंट कीड़ा है लगता है, सबसे इंसेक्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है. ये ग्राम में लगता है, चने में लगता है. इसका साइंटिफिक नेम है एग्रोटिस पिसलोन. क्या है? एग्रोटिस पिसलोन साइंटिफिक नेम. किस ऑर्डर का इंसेक्ट है? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का है. मैनेजमेंट कैसे करना? आपको क्लोरोपायरीफास देना है और बीएचसी से कंट्रोल किया जा सकता है. राइट, क्या क्या है? कटवर्म, ग्राम कटवर्म, एग्रोटिस पिसलोन, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर और क्लोरोपायरीफास और बीएचसी से कंट्रोल किया जाता है. नंबर टू है ग्राम कैटरपिलर. नंबर टू क्या है? ग्राम कैटरपिलर. हेलिकोबर्पा आर्मिगेरा इसका साइंटिफिक नेम है. क्या नाम है? हेलिकोबर्पा आर्मिगेरा. ये भी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का फंगस है, सॉरी इंसेक्ट है. मेलाथियन, कार्बोरिल और इंडोस्कार्प से कंट्रोल किया जा सकता है. ये इंसेक्टिसाइड है. जो मैनेजमेंट में लिखा है उसमें इंसेक्टिसाइड का नाम लिखा है, मेलाथियन, कार्बोरिल और इंडोस्कार्प. नेक्स्ट है थर्ड, अरहर पार्ट फ्लाई. देखिए ये अरहर में लगता है, अरहर में लगता है, अरहर पार्ट फ्लाई कहते हैं. मेलना ग्रोमाइजा, मेलना ग्रोमाइजा ऑब्टुसा, मेलना ग्रोमाइजा ऑब्टुसा साइंटिफिक नेम है. डायप्थोरा ऑर्डर का इंसेक्ट है. किसे कंट्रोल किया जाता है? कार्बोरिल, स्पाइनोसाइड, ल्यूफुनरान से कंट्रोल किया जाता है. ल्यूफुनरान इंसेक्टिसाइड है, ल्यूफुनरान. नेक्स्ट है पी लीफ माइनर. मटर पे पी लीफ माइनर जो होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसको फाइटोमाइजा कहते हैं. फाइटोमाइजा एट्रिकोर्निस, फाइटोमाइजा एट्रिकोर्निस. डायप्टोरा ऑर्डर का इंसेक्ट है. डाइमिथोएट, कार्बोरिल, मोनोक्रोटोफास ये सब इंसेक्टिसाइड देने से यह इंसेक्ट कंट्रोल होता है. राइट, नेक्स्ट है पार्ड लीफ बोरर, सॉरी पी पार्ड लीफ बोरर. यह मटर में लगता है, पी पार्ड बोरर. इटेला जिंकरेनेला इसका साइंटिफिक नेम है. इटेला जिंकरेनेला लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है. इंडोसल्फान, कार्बोरिल इंसेक्टिसाइड देने से यह कंट्रोल हो जाता है. राइट, नेक्स्ट है अरहर प्लम मार. अरहर पे ये लगता है, अरहर प्लम मार. एक्सलेस्टिस एंटोनोसा इसका साइंटिफिक नेम है. एक्सलेटिस एंटोनोसा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है. इंडोस्कार्प, कार्बोरिल इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है. नेक्स्ट है स्पॉटेड पार्ट बोरर. क्या नाम है इसका? स्पॉटेड पार्ट बोरर. मार्क्यूसा मारुसा टेक्सुलेटिस, मारुसा टेक्सुलेटिस इसका साइंटिफिक नेम है. ऑर्डर लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, क्यूमुलोफा, स्पाइनोसाइड, इंडोस्कार इत्यादि इंसेक्टिसाइड देने से यह कंट्रोल किया जा सकता है. नेक्स्ट है अरहर पार्ट फ्लाई. क्या है अरहर पार्ट फ्लाई? यह अरहर में लगता है. कैल्विगरेला जिबोसा. क्या है? कैल्विगरेला जिबोसा साइंटिफिक नेम है. हेमिडोप्टेरा ऑर्डर का फंगस है और क्यूमुलोफा, स्पाइनोसाइड, इंडोस्कार इत्यादि देने से यह कंट्रोल किया जा सकता है. नेक्स्ट है एफिड. एफिड हर जगह एफिड लगता है, माहौल इसको कहते हैं. एफिस क्रेसिबोरा साइंटिफिक नेम. हेमिटेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है. इमेडा क्लोरोपिड,
डाइमेथोएट, मिथाइल डिमेटान इत्यादि इंसेक्टिसाइड देने से यह एफिड कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है थ्रिप्स। क्या है? थ्रिप्स कैलोथ्रिप्स इंडिकस। कैलोथ्रिप्स इंडिकस साइंटिफिक नेम थाइनोस्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है। मेलाथियन डाइमेथोएट। क्या नाम है? मेलाथियन डाइमेथोएट। नेक्स्ट है व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई बेमेसिया टाइप की हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है। डाइप्रोमिथिरान ट्राइजोफास मिथाइल डिमेटान इत्यादि इंसेक्टिसाइड देने से कंट्रोल किया जा सकता है। सो बच्चों पल्सिज क्राब के जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं जिसको एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको मैंने एक टेबल बना के बता दिया कि कॉमन नेम हो जाएगा, साइंटिफिक नेम, आर्डर और मैनेजमेंट। इसके अलावा आपको लिखना क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लिखता है, लिखना है कहाँ कहाँ यह इंसेक्ट पाया जाता है। डैमेज एंड इम्पोर्टेंट लिखना होगा, क्या कितने परसेंट फसल को डैमेज करता है, उसका क्या इम्पोर्टेंट है और लाइफ साइकिल उसके बारे में लिखना है। यही तीन चार टॉपिक आपको अपने से जोड़कर लिखना है। नहीं मैंने सारा चीज टेबल आपको बता दिया है कि किसका कौन सा इंसेक्ट है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, आर्डर क्या है और मैनेजमेंट क्या है। सो माई वीडियो इज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।